उज़बल शहीजीम बिस्मिल्लाम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरवाफ़ी से होंगे अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम रखे अल्लाह ताला आप सब पर अपने नबी करीम सल वसलम के सद के अपनी रहमत का साया आपके ऊपर ताहियात कायम दायम रखे तो so, स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना नाइन्थ साइंस मैथमेटिक्स का जो है ना नाइन्थ साइंस मैथमेटिक्स का जो है ना वो चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री का की जो है ना वो एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट थ्री को डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जितने सवालत हो सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं वाइंड अप करूँ सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है स्टूडेंट्स वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग इनटू सम और प्रोडक्ट्स ठीक है सम और डिफरेंस सॉरी सम और डिफरेंस के अंदर जो है ना आपने लिखना है सम एंड डिफरेंस के अंदर ठीक है अब सम और डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं दरअसल ये जो सम है इसका मतलब बेटे मजमुआ ठीक है और डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क ठीक है डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क अब लोगर्थम के क्वेश्चन के अंदर सम और प्रोडक्ट से क्या मुराद होती है सम और डिफरेंस से क्या मुराद होती है देखिए स्टूडेंट्स लोगर्थम के क्वेश्चन के अंदर जो सम होता है ना उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर और जो फ़र्क होता है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं माइनस के अंदर ठीक है सिर्फ माइनस के अंदर ठीक है तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है वन जिसमें आपने इसको करना है कन्वर्ट समर प्रोडक्ट के अंदर उसका पार्ट नंबर वन आपके पास है लॉग इन टू ए मल्टीप्लाई बाई बी अब ये आपके पास सवाल है और इसको करने का तरीका कार क्या होगा देखें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपके पास ये लोग ए है ठीक है लोग है इसको ए के साथ भी लिख देंगे और बी के साथ भी अब मैंने बताया ना कि जरब को आपने किस में कन्वर्ट करना है जमा में और जमा को ज़रब में तो इधर आ जाएगा लोग ए प्लस लोग बी ठीक है मैंने बताया ना आपको कि आपने लो को ए के साथ भी लिखना है और बी के साथ भी लिखना है स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर टू आपके पास है लॉग 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5 ठीक है 30.5 तो इस सवाल के अंदर देखें डिवाइड को आपने किस में कन्वर्ट करना है माइनस के अंदर और मल्टीप्लाई को आपने कन्वर्ट करना है प्लस में ठीक है तो आपने पॉइंट को हल नहीं करना ठीक है आपने बस इसको जमा या माइनस के सूत्र में लिख देना है तो ये क्या होगा लॉग 15.2 पॉइंट माइनस लॉग थर्टी पॉइंट फाइव ठीक है तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर थ्री आपके पास आ जाएगा लॉक ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाई फाइव डिवाइडिड बाई एट तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे लोक ट्वेंटी वन आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉक फाइव आगे एट जो है वो डिवाइड हो रहा है तो इस वजह से इसको हम लोग लिख देंगे माइनस की सूरत में ठीक है तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा इसी तरह से स्टूडेंट जो इसका पार्ट नंबर फोर है पार्ट नंबर फ़ोर आपके पास है लॉग थ्री अंडर रूट सेवन ओवर फिफ्टीन ठीक है सेवन ओवर फिफ्टीन सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस सवाल के अंदर आप लोग क्या करेंगे आप लोग जो आपके पास ये जजर की कीमत है रेडिकल की फॉर्म में जो कीमत है इसको आप लोग जो है ना एक्सपोनेंट की फॉर्म में यानी पावर की फार्म में जो है ना लिख देंगे ठीक है अब यहाँ पर आपके पास रेडिकल की कीमत जो है वो क्या है थ्री है तो एक्सपोनेंट में आपके पास क्या आ जाएगा एक बटा तीन तो अब आपको पता होना चाहिए कि लोगर्थम का जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा लोगर्थम के शुरू में आता है तो ये वन ओवर थ्री इधर आ जाएगा ठीक है आगे लॉक सेवन ओवर फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है तो स्टूडेंट्स आगे ये डिवाइड हो रहा है ना तो डिवाइड जब होगा तो क्या हम इसको करेंगे हम लोग इसको लिख देंगे माइनस के अंदर यानी वन ओवर थ्री आपने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है ठीक है ये ब्रैकेट में लॉग सेवन माइनस लॉग फिफ्टीन ठीक है लॉग फिफ्टीन लिखते ना तो अभी आपने दोनों के साथ लिख देना लॉग वन ओवर थ्री लॉग सेवन माइनस वन ओवर थ्री लॉग फिफ्टीन ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हमारे जो है ना वो चार पार्ट जो है ना हो गए हैं टोटल अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है ना इसको हल करते हैं आगे नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर फाइव को और पार्ट नंबर फाइव के अंदर वो क्या कहते हैं लोग बाईस की पावर एक बटा तीन बटा पाँच की पावर तीन ठीक है पाँच की पावर तीन अब मैंने आपको बताया ना जो आपके पास ये पावर होगी अगर वो एक बटा तीन है तो आपने एक बटा तीन लिखना है यानी एक बटा तीन लोग बाईस माइनस अगर वो सिर्फ तीन है तो आपने लोग, लोग के शुरू में और जो है ना वो सिर्फ तीन लिखना है ठीक है इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है तो तीन लोग पाँच तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है अब ये पार्ट नंबर सिक्स आपका लोग ये पार्ट नंबर सिक्स जो है ना आपका पार्ट नंबर थ्री की तरह बस वैल्यू चेंज है ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी सेवन और डिवाइडेड बाय ट्वेंटी नाइन तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे सिम्प्लीफाई लॉक 25 आगे मल्टीप्लाई हो रहा तो प्लस हो जाएगा लोक 47 आगे डिवाइड हो रहा तो माइनस हो जाएगा लॉक माइनस ट्वेंटी ठीक है स्टूडेंट्स तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा तो so स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन और उसके मैंने छः के छः पार्ट जो है ना आपके सामने हल कर दिए ठीक है तो आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू उसका एक ही पार्ट है और वो आपके पास क्या कहता है कहता है कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस लॉग एक्स माइनस टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग इन टू एक्स प्लस वन माइनस लॉग इन टू एक्स की पावर दो माइनस वन के ठीक है अब ये आपके पास सवाल है तो उसमें वो कहता है क्या कहता है राइट एज आ राइट एज आ सिंगुलर सिंगुलर लोगर्थम आपने इसको सिंगुलर लोगर्थम की फॉर्म में जो है ना वो लिखना है ठीक है अब यहाँ पर हम लोग एक मरतबा क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए सवाल आपके पास है लॉग एक्स माइनस दो लॉग एक्स जमा तीन लॉग इन टू एक्स जमा वन माइनस लॉग इन टू एक्स की टू माइनस वन के ठीक है अब आपने एक छोटा सा बेसिक रूल याद रखना है कि जो लॉग के शुरू में कीमत होती है ना मैं यहाँ पर उर्दू में लिख देता हूँ लोकर्थम के शुरू में जो कीमत होती है जो कीमत होती है उसे आप लोगर्थम के ऊपर लिखेंगे ठीक है ऊपर लिखेंगे ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंट की फॉर्म में ठीक है एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर जो है ना आप लोग उसको लिख देंगे ये चीज़ आपने याद रखनी है छोटा सा एक रूल मैंने छोटा सा एक कानून आपके साथ शेयर किया है अब आपने एक तो ये याद रखना है दूसरा आपने ये याद रखना है के जमा को जो है ना हम लोग जमा को जरम में और तफरी को यानी माइनस को माइनस को जो है ना मल्टीप्लाई uh, डिवाइड के अंदर जो है ना हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तकसीम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है ये बात आपने याद रखनी है ये दो रूल आपने याद रखने हैं जो इस सवाल के अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा साबित होंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखें ये जो लोग एक्स है ये प्लस हो रहा है ठीक है इसके साथ कोई भी साइनिंग ना है तो ये प्लस हो रहा है तो ये आ जाएगा बटे के ऊपर ठीक है इधर एक बटा लगा लें अब ये जो एक्स है ये माइनस दो लोग एक्स है इसके शुरू में क्या आपके पास ये माइनस है यानी माइनस हो रही है पूरी कीमत माइनस हो रही है इसको आपने देखते ना बटे के नीचे अब मैंने बताया कि जो लोग शुरू में होगा वो इसकी क्या बन जाएगी पावर ठीक है मैंने लिखा लोगर्थम के शुरू में जो कीमत होती है वो लोगर्थम के ऊपर लिखें लोगर्थम के ऊपर मतलब उसके जो आगे कॉफिशेंट होगा उसके ऊपर तो लोगर्थम के आगे कॉफिशेंट कौन से है? दो जो एक्स है तो उसके ऊपर आ जाएगा ठीक है अब उसके बाद ये वाली कीमत क्या हो रही है स्टूडेंट्स पूरी कीमत प्लस हो रही है ठीक है ये क्या हो रही है प्लस तो इसको आपने बटे के ऊपर लिख देना ठीक है ये देखें लोगर्थम आपने सिर्फ एक मरतबा लिखना है क्योंकि उसने सवाल के अंदर कहा था राइट एज अ सिंगुलर लोगर्थम लोगर्थम आपने एक मरत लिख लेना है अब ये तीन नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है आपने एक्स जमा वन तो आप लोग दोबारा वापस आएँ तो यहाँ पर मैंने बताया कि लोग के शुरू में जो कीमत होगी उसको आपने कहाँ लिखना है जो लोगर्थम के आगे कीमत होगी उसकी पावर में तो इधर आ जाएगा तीन अब आगे ये वाली कीमत हो रही है माइनस ठीक है तो इसको आपने लिख देना बटे के नीचे लोगर्थम नहीं लिखना लोगर्थम आपने साइड पर लिखा हुआ है एक्स की टू ठीक हो गया जी अब क्या हम लोग जो आपके पास ये वाली कीमत है x जमा वन का होल क्यूब क्या इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं x जमा वन और x जमा वन का होल की इसकी पावर एक है ना तो पावर्स आपस में हमेशा क्या होती हैं जमा होती हैं ठीक है मैंने लदा लदा कर लिया ऐसा क्यों किया क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड था रिक्वायर्ड क्या था देखें एक्स की पावर दो है इसको मैंने दो मरतबा लिख लिया ठीक है दरअसल मैंने कटिंग करनी है और नीचे फार्मूला पुट हो जाएगा कौन सा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ठीक है जी ये लोग आपने इस तरफ लिखना है इस तरफ अब ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्केयर बटा एक्स माइनस वन और शुरू में आप लोग क्या लिख देंगे सो स्टूडेंट्स जो हमसे उसने रिक्वायर किया था कि हमने इसको जो सवाल हमें दिया गया था उसको हमने सिंगल सिंगुलर लुगर्थम की फॉर्म में लिखना है तो वो हमने लिख दिया और ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा ठीक है ये हमारा आंसर आ जाएगा सो so स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर टू की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी सो स्टूडेंट्स आगे हम लोग जो है ना कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर वो हमसे क्या रिक्वायर करता है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर कहता है कि राइट द फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगुलर लोगअर्थम ठीक है सिंगुलर लोगर्थम की फार्म में आपने इसको लिखना है ठीक है यहाँ पे ऊपर हम हैडिंग दे देते हैं सिंगुलर लोगर्थम ठीक है सिंगुलर लोगर्थम ये मैंने ऊपर हेडिंग दे दी अब ये चीज़ आपने हर सवाल को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है ठीक है चलें जी पार्ट नंबर वन देखते हैं पार्ट नंबर वन हमारे पास है log ट्वेंटी वन प्लस लॉक फाइव ठीक है अब आपने यहाँ पर याद रखना है कि प्लस को हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई के अंदर और माइनस को कन्वर्ट करना है डिवाइड के अंदर ठीक है ये बेसिक दो रूल जो है ना आपने ये याद रखना है ठीक है ये मैंने छोटा सा एक नोट लिख दिया है कि प्लस को आपने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई के अंदर और माइनस को कन्वर्ट करना है आपने डिवाइड के अंदर और सिंगुलर लोक्रथम लिखना अभी पिछले सवाल के अंदर ये हमने चीज़ सीखी थी जो जब सिंगुलर लोक्रथम किसी भी सवाल का लिखना है तो लोग आपने एक मरतबा लिखना है ठीक है लोग तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो रहा है ना तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो बस ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपने हल नहीं करना जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन के अंदर भी समझाया था कि आपने दरक़ीकत सवाल को हल नहीं करना आपने जस्ट उसको सिंगुलर लोकथम की फार्म में लिख देना ठीक है यानी जरब और डिवाइड की फार्म में तो क्वेश्चन नंबर टू आपके पास है लॉक ट्वेंटी फाइव माइनस टू थ्री ठीक है जी एक मरतबा तो आपने लॉग यहाँ पर लिख लिया ठीक है ये चीज़ आपने याद रखनी है ब्रैकेट भी लगा देनी है ट्वेंटी फाइव ठीक है डिवाइडेड बाय आगे ये थ्री आ जाएगा अब जो ये लॉ के शुरू में दो लिखा हुआ है ये इसकी क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी तो इधर आ जाएगा दो ये चाहे आप ब्रैकेट ना लगाएं तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ लॉग ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय थ्री की पावर टू ठीक है थ्री की पावर टू वैसे होता है नौ के बराबर लेकिन आपने लिखना नहीं है ठीक है आपने बस ऐसे इसको लिख देना पार्ट नंबर थ्री स्टूडेंट्स हमारे पास है टू लॉग एक्स माइनस थ्री लॉग वाई ठीक है ये हमारे पास क्वेश्चन है अब लॉग एक मरतबा हमने लिख लिया ठीक है एक्स अब ये एक्स के शुरू में दो लिखा हुआ है तो एक्स की पावर बन जाएगा ठीक है इसी तरह वाई डिवाइड क्यों किया क्योंकि माइनस हो रहा है मैंने ये रूल बताया था ना माइनस को डिवाइड में कन्वर्ट करना है अब इस वाई के शुरू में लिखा हुआ है तीन तो बस इधर आपके ये आंसर आ जाएगा ठीक हो गया जी ये वाला अब इसका पार्ट नंबर फोर जो कि लास्ट पार्ट है लॉग फाइव प्लस लॉग सिक्स माइनस लॉग टू अब ये आपके पास जनाब सवाल है सो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे हम लोग लॉग एक मरतबा लिख देना आपने फाइव आगे प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई सिक्स आगे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडेड बाय टू तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक हो गया जी अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है ना आगे फोर uh, को और क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर देखते हैं कि वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है क्या हमसे जो है ना वो रहा है ठीक है चले जी देखते हैं उसके अंदर वो कहता है कैलकुलेट आपने करना है ठीक है कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉलोइंग जो है ना नीचे दिए गए को आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करना है ठीक है चलिए जी देखें पहला पार्ट है स्टूडेंट्स आपके पास लॉग तीन दो ज़रब लॉग दो और इक्यासी ठीक है एटी वन इसमें स्टूडेंट्स आपने सिंप्लीफाई छोटा सा एक रूल याद रखना है ठीक है वो रूल आपने याद रखना है दोनों पार्ट्स हल करने में आपके लिए आसानी होगी इसमें क्या जो देखें जो आपके पास ये काफिशेंट होगा मतलब ये लोग दो इसको बटे के ऊपर लिखना है और जो ये एक्सपोनेंट होगा लोग का उसको बटे के नीचे ठीक है ये चीज़ आपने बस याद रखनी मैं दोबारा बता दूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपके पास ये कॉफिशेंट होगा उसको बटे के ऊपर और जो आपके पास ये एक्सपोनेंट की फार्म में रकम होगी उसको बटे के नीचे आगे मल्टीप्लाई सेम ऐसे ही इसको आपने प्लस की फार्म में कन्वर्ट नहीं करना ये याद रखना है ठीक है तो ये जैसे मैंने बताया ना कि ये एक्सपोनेंट को आप उसको कॉफिशन को ऊपर और एक्सपोनेंट को नीचे लिख देना है ठीक है अब ये लॉग टू लोग टू से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो बाकी बच गया वो बच गया लॉग एट्टी वन डिवाइडेड बाई लॉग थ्री तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग एटी वन की तजी करते हैं तो आपके पास आएगा थ्री की पावर फोर ठीक है जहाँ पर हम कर लेते हैं एटी वन थ्री टू द सिक्स टू इधर चला जाएगा ट्वेंटी वन बन जाएगा और थ्री सेवन द ट्वेंटी वन थ्री थ्री द नाइन और थ्री दा थ्री थ्री दाइन हो जाएगा ठीक है ठीक है आगे क्या होगा स्टूडेंट्स ये देखें आपके पास थ्री थ्री दाइन आ गया ठीक है आगे थ्री वन द्री आ जाएगा ठीक है थ्री वन द्री आप स्टूडेंट उसके बाद क्या होगा कि बटे के अंदर आपके पास आ जाएगा लॉक थ्री अब ये लॉक थ्री लॉक थ्री से कैंसल आउट हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन नंबर फोर का मैंने पहला पार्ट किया ठीक है अब मैं आगे जो है ना क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर टू जो है ना उसको कंटिन्यू करता हूँ और उसमें देखिएगा आपको एक मरतबा मजीद जो है ना वो क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी कि सवाल को कैसे हल करना है तो पार्ट नंबर टू हमारे पास है लॉग फाइव थ्री मल्टीप्लाई बाई लॉग थ्री ट्वेंटी फाइव ठीक है तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे मैंने बताया कि बेटे के जो आपके पास कॉफिशेंट होगा उसको बटे के ऊपर यानी लॉग थ्री डिवाइडेड बाय लॉग फाइव ठीक है मल्टीप्लाई बाय लॉग ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय लॉग थ्री ठीक है लॉग थ्री लॉग थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा और ट्वेंटी फाइव लॉग ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय लॉक फाइव आपके पास बच जाएगा ठीक है अब अगर 25 की आप लोग फैक्ट्राइशन करते हैं तो आपके पास आएगा 2 की पावर 5 लॉक 5 की पावर 2 और लॉक 5 ठीक है अब ये लॉक 5 लॉक 5 से कैं, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स तो यहाँ तक हमने जो है ना वो अपने क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व आउट कर लिया और अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फ़ाइव को और क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर वो हमसे क्या रिक्वायर करता है स्टूडेंट्स ये हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है तो उसको देखते हैं उसमें कहता है कि अगर आपके पास लोग दो बराबर हो ज़ीरो इशारिया तीन जीरो एक ज़ीरो के लोग तीन आपके पास बराबर हो ज़ीरो इशारिया चार सात सात एक के और लोग पाँच आपके पास बराबर हो ज़ीरो इशारिया छः नौ नौ ज़ीरो के तो देन फ़ाइंड द वैल्यूज़ ठीक है वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है पहली कीमत उसने दिया हमें लॉग थर्टी टू अच्छा स्टूडेंट सवाल समझाने से पहले एक से दो बातें आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको सवाल करने में परेशानी ना हो एक चीज़ याद रखें आपके पास तीन वैल्यूज़ मौजूद हैं एक आपके पास मौजूद है लोग दो की कीमत दूसरी कीमत आपके पास है लोग तीन की कीमत तीसरी कीमत आपके पास है लोक फ़ाइव की कीमत ठीक है तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने हर सवाल को या तो लोग दो में कन्वर्ट करना है या लोग तीन में कन्वर्ट करना है या आपने लोग फाइव के अंदर कन्वर्ट करना है ठीक है जो भी नंबर होगा अब जैसे मेरे पास थर्टी टू है ना तो थर्टी टू की मैं फैक्ट्रेशन करूँगा ठीक है तो टू सिक्सटीन दर्टी टू हो जाएगा टू एट दिक्सटीन हो जाएगा टू टू द टू फोर द एट हो जाएगा टू टू दौर हो जाएगा और टू वन द टू आ जाएगा कितने टू आ गए एक दो तीन चार पाँच तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा टू की पावर फाइव ठीक है टू की पावर फाइव अब देखिए लोग दो के अंदर कन्वर्ट हो गया तो लोक दो की कीमत आपके पास क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप लोग इसको सबसे पहले तो आप लोग इसको क्या करें फाइव को शुरू में लिख लें ठीक है फ़ाइव लोक टू आ जाएगा ठीक है अब आपके पास लोक टू की कीमत आपके पास क्या है स्टूडेंट ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो तो फाइव को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो फाइव को थ्री के साथ फिफ्टीन फाइव को जीरो के साथ जीरो फ़ाइव को वन के साथ फ़ाइव और ज़ीरो को वन के, सा, के साथ फाइव के साथ जीरो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है log ट्वेंटी फोर 24, ट्वेंटी फोर ठीक है अब इसमें क्या होगा कि ट्वेंटी फोर की आप लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे टू वन द टू टू फोर दू टू द दू सिक्स द ट और टू थ्री दिक्स और थ्री वन द्री ठीक थी, है आपने एंड तक हल करना होता जब तक एक एक ना आ जाए ठीक है अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इसकी कीमतें पुट कर देनी है एक तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर आ गया टू की पावर थ्री ठीक है जो पावर बनती है उसको लिख देना है आगे मल्टीप्लाई कितना है जी थ्री ठीक है यहाँ पर आपने इसको लिख देना है ब्रैकेट के अंदर ओके okay हो गया जी अब आपने इसको लिखना है सम की फॉर्म में ठीक है यहाँ पर सिंपलीफाई ठीक है ये लोग ये जो पावर है ये इसके शुरू में आ जाएगी तीन के शुरू में और इधर आ जाएगा दो तो, ठीक है लोग तीन लोग दो जमा लोग तीन आ जाएगा ठीक है जमा लोग तीन आ जाएगा अब यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे लोग दो की कीमत पुट करेंगे जो कि आपके पास है ज़ीरो और प्लस सॉरी मल्टीप्लाई प्लस लोग तीन की कीमत आपके पास है जीरो इशारिया चार सात सात एक ठीक है पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा नाइन जीरो uh, और थ्री को नाइन के थ्री के साथ नाइन जीरो को थ्री के साथ जीरो थ्री को वन के साथ थ्री और ज़ीरो को वन के साथ ज़ीरो फोर पॉइंट जीरो पॉइंट फोर वन फोर सेवन ठीक है फोर सेवन सेवन वन अब स्टूडेंट्स एंड पे आप लोग इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो आपका वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक हो गया जी तो so स्टूडेंट्स ये था इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप लोगों ने खुद समझने हैं अगर आपको कोई आ, मसला हो कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह अगर इसके रिमेनिंग पार्ट्स में आपको कोई इशू होता है कोई प्रॉब्लम होती है तो देन आप लोग मुझसे जो है ना वो पूछ सकते हैं तो स्टूडेंट्स एट दी एंड मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दें ठीक है अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन पर जो है ना वो लाजमी तौर पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो आप तक फौरी तौर पर पहुँचती रहें सो so स्टूडेंट्स मिलते हैं इन शेक्सट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज़